ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हसी। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हसी। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हसी। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हसी। लेना देना ना है जहां से परवाह करनी तेरी, लेना देना ना है जहां से परवाह करनी तेरी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये क्या लगा आज के लिए बस इतना ही। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हमारे साथ आप सभी नए साल का वेलकम करेंगे स्टाइल में संगमरमर सरताज ओमकार की बॉलीवुड थीम पार्टी में। तो बस दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये नहीं देखा तो क्या देखा। गुड इवनिंग एवरीवन, न्यू ईयर की इस बॉलीवुड थीम न्यू ईयर पार्टी में हम आपका वेलकम करते हैं, तालियां। आज की रात कुछ ऐसी होगी जो हम सबको जिंदगी भर याद रहेगी। नए साल से होगी नई शुरुआत, लेकिन नया तो शुरू तभी हो सकता है ना जब पुराना कुछ खत्म हो रहा हो। तो देखते हैं कि क्या पुराना आज खत्म होता है और किसकी नई शुरुआत होती है। तो शुरू करते हैं हम आज की पार्टी फुल बॉलीवुड स्टाइल में। ऐश्वर्या ने इसी पार्टी में ओमकार को मारने का कुछ बड़ा प्लान किया होगा, कैसे पता करूं? कहां हो तुम मयूरा, कैसे बताऊं मैं तुम्हें ऐश्वर्या का प्लान?
ओमकार मेरी बात सुनो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मयूरा बीच में आई तो इसका भी काम तमाम कर दूंगी। मयूरा, ओमकार को स्टेज से जल्दी लेकर जाओ प्लीज। नए साल की उल्टी गिनती शुरू। मयूरा, अरे क्या हो गया, किसी को लगी तो नहीं? लाइट तो ऑन करो कोई। अरे भागो भागो। ओमकार कहाँ है, क्या आवाज है? अरे मैंने देख लिया लाइट से कहीं। बच गए। तुमने हमें धोखा दिया। इतनी औकात कब से हो गई तुम्हारी? हाँ, तुम देखो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम पर कोई खतरा भी आता है तो मैं अपने ऊपर ले लूंगी, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है ऐश्वर्या। मम्मी, हे नर्मदा भैया, मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मी बेटा, तू ठीक तो है? कोई चोट तो नहीं लगी तुझे ना? हाँ मां, मैं ठीक हूँ। मयूरा, तो चोट ना लगी? ठीक तो हो तुम दोनों? पर ये सब हुआ कैसे? बॉल किसी के सर पर गिर जाती तो, बॉल के अंदर का उबलता लावा किसी को जला जाता तो बाल बाल बच गए हम सब। प्लान कोई फेल नहीं कर सकता, जो कोशिश करेगा ना भुगतेगा। ऐश्वर्या, मनीष दोनों नजर नहीं आ रहे। ओमकार जी, ओमकार जी, ये सब तूने किया, ये सब। जोंक की तरह चिपक गई ना मेरे बेटे के साथ, जान लेके ही मानेगी उसका? एए, तुझसे बात कर रही हूं मैं, क्या देख रही है इधर उधर? बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे ना आज मैं पुलिस के हवाले करके ही मानूंगी, अभी इसी बात। अरे बस कर मंजरी, बस कर, बहुत हो गया। ये ओंकार की दुश्मन ना है, जानकी ही तैसी है। बार बार जय मोड़ी ने इसकी जान बचाई है और ये वक्त खैर मनाने को है, शोर मचाने को ना है। ओमकार, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना होगा। अगर आज तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया ना, तो जिंदगी भर पछताओगे तुम। तुम खुद सोचो, अगर मुझे सच में तुम्हें इस डिस्को बॉल से मारना होता, अगर इसके अंदर की लावा से तुम्हें जलाना होता, तुम्हारी जान लेनी होती, तो मैं क्यों तुम्हारे इतना करीब डांस करती? सोचो ओमकार, मैं अपनी जान को खतरे में क्यों डालती? प्लीज भरोसा करो मुझ पर, मेरे तर्क पर भरोसा नहीं है, पर कम से कम मेरी नीयत पर तो विश्वास रखो। एक बार, बस बस आखिरी बार प्लीज। तुझे क्या लग रहा मोड़ी, किसने की होगा ये सब? पापा जी, ओमकार, हमें मनीष को ढूंढना है। वो यहीं कहीं था, वो अचानक से गायब हो गया। मेरे मुंह से तो जो भी सच निकलेगा तुम्हें झूठ ही लगेगा, पर अगर मनीष तुम्हें सच बताएगा
तो शायद तुम विश्वास कर लो। हमें मनीष को ढूंढना होगा, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज ओमकार मुझ पर भरोसा करो प्लीज। मैं मनीष को ढूंढता हूँ। थैंक यू, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। चलो। नहीं, मनीष को मैं ढूंढ लूंगा। पर ओमकार शुक्र मना कि सिर्फ टंगड़ी अड़ाई है, जी तो करता है गला घोंट के मार डालूं तुझे। माँ जी, माँ जी मेरे हाथ छोड़िए। माँ जी ओमकार की जान को खतरा है, प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। माँ जी वो अकेला गया है, माँ जी मुझे जाने दीजिए प्लीज, बात को समझिए प्लीज। खतरा तो है लेकिन ओमकार को तुझसे खतरा है। तुरे और ओमकार के बीच में ना मैं दीवार बन के खड़ी हूँ और तू इस दीवार को लांग नहीं पाएगी। प्लीज छोड़िए माँ जी। सारी प्लानिंग हमने की और तुम एंड टाइम पे जाके वो मयूरा के साथ मिल लिए। कहाँ गया है मनीष? अरे कौन सी भाषा में समझाऊं तो है? मयूरा कभी ओमकार को नुकसान ना पहुंचा सके। समझाने की जरूरत क्या है, मेरे पास अपना दिमाग नहीं है समझने के लिए। मैं ना इतनी बैल बुद्धि भी नहीं टूटता कि तुम लोग मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो। पापा जी समझाइए ना प्लीज, इन्हें कहीं नहीं जाएगी यहाँ से जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती। यही रुक, छोड़िए मेरा हाथ। माँ जी छोड़िए। मनीष, मनीष, मनीष उठ, मनीष। ये बेहोश कैसे हो गया? कोई है यहाँ पर? मनीष। थैंक यू ओमकार, तुमने तो खुद ही थाली में मौका सजा के हमें दे दिया है। हैप्पी न्यू ईयर ओमकार। बल्ली तुम्हारे सरताज की जान को खतरा है, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज जाने दो मुझे, छोड़ो। माँ जी प्लीज, ओमकार जी की जान को खतरा है, जाने दीजिए मुझे। तू कहीं नहीं जाएगी, चल। नहीं प्लीज, चल जाने दीजिए मुझे, छोड़िए मेरा हाथ। माँ जी नहीं, माँ जी प्लीज, माँ जी नहीं, नहीं, हाँ, माँ जी, माँ जी प्लीज, प्लीज, नहीं। मंजरी, मैं बता रहा हूँ तो ये बहुत गलत कर रही है तू। प्लीज माँ जी, ओमकार की जान को खतरा है, यकीन कीजिए मेरा। आवाज बंद रख, आपको मनीष सब कुछ सच सच बता देगा, पर प्लीज दरवाजा खोलिए, मेरे यहाँ से जाना जरूरी है। मुंह बंद रखे तो मुंह में रोई ठूस दूंगी, सारी आवाज बंद हो जाएगी। अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब पुलिस आएगी। आपको मुझे सजा देनी है, मुझे दीजिए दो सजा देनी है दीजिए, पर प्लीज मुझे ओमकार के पास इस वक्त जाना जरूरी है। माँ जी आप मुझे काल कोठरी में बंद कर दीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए, उसकी जान को खतरा है, वो अकेला है। माँ जी आप बहुत पछताएगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, उसे मेरी जरूरत है। एक बार उसकी बात सुन तो ले, ओमकार की जान को खतरा है और तू है कि उससे अपनी खुंडस निकालने पे लगे, मेरी बात सुन तू। नहीं सुनना, नहीं सुनना मुझे कोई बात। मेरे बेटे और इस लड़की में जब भी कोई लड़ाई हुई है तुमने हमेशा इस लड़की का साथ दिया है। मेरे बेटे पर मार केस लगा है, 7 दिन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में मैं इस लड़की को मेरे बेटे के आस पास भी नहीं जाने दूंगी, समझे तुम? कुछ भी कहते रह जाओ तुम। और देखो इस वक्त जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा ना, उसका अच्छा नहीं होगा, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। प्लीज कॉल दीजिए प्लीज, अरे उसे मेरी जरूरत है, जाने दीजिए मुझे। मेरा बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ,
क्या हो रहा होगा ओमकार के साथ। माता रानी, माता रानी प्लीज ओमकार की जान बचा लीजिए। माता रानी उसकी सारी भलाई मुझे दे दीजिए, मेरे सर डाल दीजिए। प्लीज बचा लीजिए ओमकार की जान माता रानी प्लीज। मनीष उठ। मनीष जी। मैं कह रहा हूँ चाबी दे मौए। सवाल ही नहीं उठता है। चाबी दे। नहीं उठता सवाल कोई। अब तो पुलिस आएगी तभी ये दरवाजा खुलेगा। इंतजार करो। माँ जी आप सोचिए आपके बेटे के साथ क्या हो रहा होगा। अरे उसकी जान खतरे में। अरे तू चिंता मत कर बिटिया। अरे मैं माँ जी ये फार्म हाउस शहर से थोड़ा दूर है, ऊपर से नए साल की रात है, नाकाबंदी लगी रहेगी आज। वो लेडीज की गिरफ्तारी आदमी होती नहीं है। सुबह तक पुलिस आ जाएगी माँ जी। मैंने इसमें बेहोशी की दवाई मिला दी थी, अब पड़े रहो दोनों सुबह तक बेहोश। आज न्यू ईयर है तो पुलिस गश्त लगा रही होगी। सुबह तक तुम्हें छुपा के रखूंगी और उसके बाद ओमकार के चैप्टर का दी एंड। सुबह के सूरज के साथ ही ओमकार की जिंदगी की शाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म। क्या हो रहा होगा ओमकार के साथ। आज की रात बहुत काली है माता रानी, आज की रात बहुत काली है। प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि कल सुबह का सूरज उम्मीद की किरण ले आए, वरना पता नहीं क्या होगा।